हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? दो क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थात एक से संबंधित क्वेश्चन है कि ये काउंट करने के बीच में और टोटल पदों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए निकालेंगे। सबसे पहले वही ए डी और ए एन दिया हुआ है, एन निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। हल पहला में ए बराबर है, पहला पद है 7, ये जरूर ये सब लिख लेंगे। डी हम यहाँ पे पदांतर 13 घटाओ 7, अर्थात ए टू माइनस ए वन, ये कोई जरूरी नहीं है। 13 माइनस 7, 13 में से 7 घट गया, 6 बचा। यहाँ ए एन दिया हुआ है, ए एन मतलब अंतिमवा पर 205, और हमें एन ज्ञात करना है, पर आए कितना पद है तो एन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, सूत्र वही है, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान बैठाएंगे ए एन दिया हुआ है 205 बराबर ए है 7 प्लस एन नहीं दिया है तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, गुना डी आया है हमारा 6। 205 माइनस 7, ये 7 इधर चला आएगा, बराबर एन माइनस 6 एन माइनस 1 गुना 6। अब यहां घटा लेंगे तो हो जाएगा 198, 5 2 और कट जाएगा 98 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। एक बार और हम लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 198, वही है पलट दिया है हमने समझने के लिए। आइए अब देखते हैं एन माइनस 1 बराबर 198 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको हम काटेंगे। 36 18 19, फिर 36 18, ये हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 33, या एन बराबर 33 ये उधर चला जाएगा तो प्लस 1, यहाँ हो जाएगा हमारा एन बराबर 34। तो हम कहेंगे कि कुल कितने पद हैं, तो कुल 34 पद है। लास्ट में लिख देंगे कि इस श्रेणी में कुल 34 पद हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है, पहला पद दिया हुआ है 18, तो a बराबर 18, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 है 15 पूर्णांक 1 बटा 2 घटाओ 18। तो पूर्णांक से डरना नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इसका, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 1 31 बटा 2 घटाओ 18। अब d बराबर यहाँ हम लिख रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे 31 घटाओ 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 बटा 2 बराबर -5 बटा 2, ये d का मान आया -5 बटा 2। अब हम देखते हैं यहाँ कि a n भी दिया हुआ है -47 दिया हुआ है, हमें एन ज्ञात करना है। वही प्रोसेस, वही सूत्र, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां मान पुट कर देंगे हम लोग, -47 बराबर 18 प्लस
एन माइनस वन गुना माइनस पांच बटा दो, क्योंकि डी बराबर कितना आया है माइनस पांच बटा दो, माइनस सैतालीस, ये अठारह इधर आ जाएगा, माइनस अठारह बराबर, ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस एन माइनस वन गुना पांच बटा दो। अब दोनों ऋणात्मक है निगेटिव है तो दोनों जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सैतालीस अठारह आठ सात पंद्रह पांच आखिर एक चार एक पांच और एक छ माइनस पैंसठ बराबर माइनस एन माइनस वन इंटू पांच बटा दो। दो इधर आएगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, दो इधर आएगा पैंसठ गुना दो बराबर एन माइनस वन गुना पांच। अब ये नहीं सोचना है कि माइनस कहां चला गया, दोनों तरफ है तो दोनों साइड को माइनस हमने कैंसिल कर दिए, चाहे तो काट देंगे। अब एन माइनस वन बराबर पैंसठ गुना दो बटा पांच, ये इधर ला सकते हैं हम चाहे तो, या ऐसे भी कर सकते हैं, एन माइनस वन बराबर पैंसठ गुना दो है और ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो तेरह पांचे पैंसठ कट गया, तो यहां हो जाएगा एन माइनस वन बराबर तेरह गुना दो बराबर छब्बीस, या एन बराबर छब्बीस जोड़ एक, ये प्लस है उधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर सत्ताईस। तो ये हमारा हो गया कौन सा पद, तो हमारा सत्ताईस पद इसमें होगा, इसमें सत्ताईस पद होगा। इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।